स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली के जहांगीरपुर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी अंसार और असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि जांच के बाद पूरे मामला का सिलसिलेवार खुलासा करेंगे। वहीं जहांगीरपुर इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। आरएएफ और पुलिस के जवान लगातार परेड कर रहे हैं। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुए हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर को उपद्रवियों की गोली लगी है। वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार है। उन्होंने आगे बताया कि हिंसा के बाद अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की है, तलवार और गोलियां भी चली है। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 9 लोग पकड़े गए थे, फिर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। वहां आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और हाई अलर्ट जारी की गई है। इलाके में नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की गई। स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने शनिवार को देर रात बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पाठक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, माहौल अब शांतिपूर्ण है। हम लोगों के साथ लगातार संपर्क में है और शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है। साथ ही 6-7 पुलिस कर्मियों व एक नागरिक को गंभीर चोट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।